दिवाली पर दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी और पटाखों ने प्रदूषण का लेवल बहुत ज्यादा हाई कर दिया। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। दिवाली की शाम तक जो EQI 218 था वो दिवाली के अगले दिन बढ़कर 999 तक पहुंच गया। इंडिया गेट पर सबसे बुरा हाल रहा। इसके अलावा दिल्ली के आनंद विहार, जहांगीरपुरी, आरकेपुरा, मोखला, श्रीनिवासपुरी, वजीरपुर, बवाना और रोहिणी में भी प्रदूषण से बुरा हाल रहा। आतिशबाजी ने एक तरफ AQI का लेवल बढ़ा दिया तो वहीं दूसरी तरफ विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई। इंडिया गेट के आसपास तो हालत इतनी खराब थी कि 100 मीटर दूर तक भी साफ तौर पर देखना मुश्किल हो गया था। बता दें कि दीपावली से पहले दिल्ली NCR का AQI लेवल बढ़कर 999 तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद भी बारिश ने पूरे मौसम को साफ कर दिया था। PM2.5 के लेवल में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। देखिए, दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर किस कदर बढ़ गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिवाली के पहले PM2.5 का लेवल 56 PPM की सीमा के अंदर था, जो दिवाली की रात बढ़कर 2000 PPM के पार हो गया था। हालांकि अभी 1000 PPM से ज्यादा है। बता दें कि PM2.5 का आदर्श पैमाना 60 PPM है। इसके अंदर PM2.5 होने पर इंसान के लिए ठीक माना जाता है, इससे ज्यादा इंसान के लिए खतरनाक है। देखिए, जहां दिवाली के बाद प्रदूषण पर सियासत और ज्यादा तेज हो गई है, जहां एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण से सांस लेना दूभर हो रहा है, तो अब सियासत भी कम नहीं हो रही है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का हाल किसी से छिपा नहीं है, ये सब जानते हैं। बीते कुछ दिनों से दिल्ली NCR की आबो हवा में जहर घुल रहा है। आलम तो यहां तक है कि लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं, और उसके बाद दिवाली पे हुई आतिशबाजी ने प्रदूषण के स्तर को एक बार फिर से बढ़ा दिया, जिस पर अब सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और BJP के बीच बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में हुई आतिशबाजी के लिए BJP पर निशाना साध दिया है। गोपाल राय का कहना है कि पटाखे जलाने के लिए BJP के नेता लोगों को उकसा रहे थे, जिसका खामियाजा दिल्ली को उठाना पड़ रहा है। पटाखों की वजह से राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 500 के पार चला गया। उन्होंने कहा कि अगर पटाखे नहीं जलते तो आज दिल्ली का ये हाल नहीं होता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक BJP जिम्मेदार पार्टी है, बावजूद इसके पार्टी के नेता पटाखे जलाने के लोगों को उकसा रहे थे। तो चलिए, गोपाल राय ने क्या बयानबाजी की है वो आपको सुनवाते हैं। दिल्ली NCR के अंदर पिछले 3 दिनों से बारिश होने के बाद हवा की गति तेज हुई थी, और उसकी वजह से जो पिछले 8-10 दिनों से दिल्ली में प्रदूषण के कण जो स्टोरेज हो गए थे वो डिस्पर्स हुए, और कल हम सब ने ये नोट किया और ये मॉनिटर भी किया गया कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो स्तर है वो 215 से 20 तक पहुंच गया था। वहीं गोपाल राय के इस बयान के बाद अब BJP ने मोर्चा संभालते हुए पलटवार कर दिया। BJP सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी ने कहा कि लोगों ने बहुत कम पटाखे फोड़े हैं और ज्यादातर ग्रीन पटाखे ही फोड़े हैं, यानी कि ग्रीन पटाखे। दूसरी तरफ BJP के कई और नेता ये बयानबाजी कर रहे हैं कि BJP लगातार अपनी संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रही है, त्योहारों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी पार्टियां ऐसा नहीं चाहती। BJP का कहना है कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लोगों को असल में दिवाली मनाने से ही परेशानी है। BJP सांसद ने कहा कि उनका दर्द है कि सनातन धर्म के लोगों को अपना त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि 2 दिन पहले हुई बारिश से पहले और बाद का AQI क्या था और अब कितना है। इस पूरे मामले को लेकर BJP ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। कुछ बयान सामने आए हैं, वो आपको सुनवाते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसकी अपेक्षा थी, कोई हैरानी की बात नहीं है मित्रों। फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, इंडी अलायंस, जिनका एजेंडा ही वैसे हिंदुओं को टारगेट करना होता ही है, आज वो फिर से उतर आए हैं कि कैसे दिवाली की वजह से प्रदूषण हो रहा है। मतलब एक दिन पर्व मनाया गया हिंदुओं के द्वारा तो उसकी वजह से सारा प्रदूषण हो गया। तो 15 दिन पहले प्रदूषण कैसे था? 15 दिन पहले तो AQI की स्थिति और विकट थी, 500, 600, 700, 800, 900 पार हो गया था। तब तो कोई दिवाली नहीं थी, तब कोई फटाके या फायर क्रैकर्स नहीं जलाए जा रहे थे, तब कैसे प्रदूषण था? और
आम आदमी पार्टी तो कहती थी 2018 में कि मुख्य कारण प्रदूषण का पंजाब की पराली है, हमारी सत्ता आएगी एक साल में समाप्त कर देंगे। तो बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही है। गोपाल राय के इस बयान के बाद लगातार बीजेपी बयानबाजी कर रही है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल रही है। उन्होंने पराली को प्रदूषण का असल कारण बताया। उनका कहना है कि पंजाब में जलाई जा रही पराली और दिल्ली में धूल मिट्टी का उड़ना दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। अगर देखा जाए तो प्रदूषण का लेवल चरम पर है। दिल्ली की जनता दम घोटू जीवन जी रही है। एनसीआर में भी लगातार जो प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हर साल दिवाली जब आती है इस तरह की बयानबाजियां की जाती है, लेकिन सवाल यह है कि दिवाली से पहले तैयारियां क्यों नहीं की जाती। तो चलिए जरा जीएफएस के जरिए जानते हैं कि दिवाली पर एक्यूआई क्या है। दिवाली से पहले साल और दिवाली के दिन का हम एक्यूआई आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिएगा कि ये जो हालात है ये दिवाली वाले दिन के बने रहते हैं। देखिए दिवाली से पहले अगर देखा जाए तो 338 था, दिवाली के दिन 281, और साल था 2018। इसके अलावा ऐसे ही आंकड़े आप आगे देख पाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। तो ये आपने जाना कि दिवाली के दिन और दिवाली से पहले एक्यूआई क्या होता है। लेकिन जो राजनीतिक बवाल मचा हुआ है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिवाली के बाद प्रदूषण पर राजनीतिक बवाल आप कवार समझिए। यूपी हरियाणा प्रदूषण के लिए गंभीर नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बैन के बाद पुलिस ने पटाखे आने कैसे दिए? हरियाणा यूपी चाहता तो पटाखों पर सख्ती करते। बीजेपी ने पटाखे ना चलने की अपील नहीं की। बीजेपी चाहती तो दिल्ली की हवा जहरीली नहीं होती। ये बयान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। सीधे तौर पर कहा गया कि अगर यूपी और हरियाणा सख्त नहीं होते तो फिर यहां पर ऐसे हालात नहीं होते। बीजेपी का पलटवार क्या है? आप चाहती है कि देश के लोग दिवाली ही ना मनाएं? बीजेपी हमेशा से चाहती है कि हमारी संस्कृति बनी रहे। बीजेपी को अपने त्योहारों और पर्व की चिंता है। पटाखों पर पाबंदी से बीजेपी को दर्द है। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर रिकॉर्ड कहाँ कहाँ के टूटे हैं। जी हाँ, पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। प्रदूषण का लेवल इस कदर हाई है। दिल्ली एनसीआर में इस साल दिवाली के बाद प्रदूषण ने पिछले कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इससे पहले 2016 में एक्यूआई 431 दर्ज किया गया था, उसके बाद 2020 में 414, साथ ही 2021 में 382, इससे पहले 2019 में 337, 2017 में 319 और 2018 में 281 दर्ज किया गया। बता दें कि प्रदूषण के पैमाने के मुताबिक 0 से 50 के बीच एक्यूआई अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच एक्यूआई गंभीर माना जाता है। लेकिन अब तो देखिए 999 पहुंच गया है, तो हालत कैसी होगी लोगों की? बुजुर्गों को, बच्चों को खासतौर पर ये हिदायत दी जा रही है कि वो घरों के अंदर ही ना रहें। गौरतलब है कि बीते शनिवार को ही बैठक के बाद दिल्ली सरकार में लोगों से आतिशबाजी ना करने की अपील की थी, बावजूद इसके राजधानी वासियों ने जमकर पटाखे फोड़े, जिसकी वजह से एक बार फिर से प्रदूषण की हालत चिंताजनक हो गई है। लेकिन क्या यही एक जरिया है कि प्रदूषण इसी माध्यम से फैला है? सिर्फ पटाखों की वजह से ही दिल्ली में प्रदूषण हुआ है या कुछ और बात है? आपको बता दें कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण की वजह से राजधानी में ऑड इवन लागू करने का फैसला किया था। हालांकि बारिश के चलते प्रदूषण में सुधार होने के बाद इस पर रोक लगा दी गई थी। अब दिल्ली सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगातार जारी है, आगे केंद्र और सरकार मिलकर क्या फैसला लेते हैं इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि सियासत में आम जनता की जिंदगी जहन्नुम बनती जा रही है। कमेंट करके जरूर बताएं कि वाकई क्या दिवाली के पटाखों की वजह से ही दिल्ली में प्रदूषण का लेवल हाई रहता है, या फिर आसपास के इलाकों में जो पराली जलाई जाती है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो पुरानी गाड़ियां चल रही हैं वो इसके लिए जिम्मेदार है, और आम आदमी पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी ये नहीं कह रही कि हाँ इस पर हम आगे काम करेंगे, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन है।